हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिर ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारा सॉफ्टवेयर है माइक्रोमीडिया ड्रीम वीवर। माइक्रोमीडिया ड्रीम वीवर क्या होता है? माइक्रोमीडिया ड्रीम वीवर के अंदर आप इंटरनेट के ऊपर जो वेबसाइट पेजेस बनाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म जो क्रिएट करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग जो करते हैं, उस वो सारा काम माइक्रोमीडिया ड्रीम वीवर के अंदर होता है। जिस तरह से आपको याद होगा आपने शेयर पॉइंट और HTML पढ़ा है, उनके ऊपर भी क्या काम किया जाता है, ऑनलाइन काम किया जाता है। इसी तरह ड्रीम वीवर के ऊपर भी इंटरनेट पर ऑनलाइन जो काम होता है, फोटो गैलरीज जो बनी हुई होती हैं, फॉर्म्स वगैरह जो बने होते हैं, वेब पेजेस जो बने होते हैं, वेबसाइट जो बने होते हैं, लिंक्स जो दिए जाते हैं, वो सब इसके ऊपर काम किया जाता है। अब आप ये शेयर पॉइंट की तरह ही होता है सॉफ्टवेयर, मिलता जुलता होता है, लेकिन शेयर पॉइंट के अंदर 5 to 6 लेक्चर थे आपके, वो छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है और आसान होता है। ड्रीम वीवर के अंदर आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, इसके अंदर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस एंड लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं ड्रीम वीवर। आप ड्रीम वीवर का कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपने इंस्टॉल कर रखा हो। ठीक है, हमारे पास जो है 2 ड्रीम वीवर है। ठीक है, एक है माइक्रोमीडिया ड्रीम वीवर 8 और दूसरा है अडोब ड्रीम वीवर CS3। ठीक है, माइक्रोमीडिया ड्रीम वीवर 8 जो है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। ठीक है, जब तक आप उस अपने सॉफ्टवेयर को रजिस्टर नहीं करवाते तो वो क्या होता है कि 1 महीने बाद वो सॉफ्टवेयर बार बार बंद होना शुरू हो जाता है, वर्किंग स्टॉप कर देता है। ठीक है, और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको हर मंथ उसकी फ़ीस पे करनी होती है। ठीक है, नहीं तो ये करना होता है कि आपको हर मंथ उसे रीइंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप अडोब CS3 करेंगे तो उसके अंदर क्या है, उसको आपने रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होती और ना वो बंद होता है बार बार, ना काम स्टॉप करता है, लेकिन ये होता है कि उसके अंदर कुछ ऑप्शन सही तरह से काम नहीं करते। तो आपको जो इजी लगे आप वो वाला वर्जन लेकर काम कर सकते हैं। मैं दोनों पर काम करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने माइक्रोमीडिया ड्रीम वीवर के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट बटन में जाएंगे, ज़्यादा यूज़ में होगा तो सामने होगा, ये देखें दोनों सामने हैं, माइक्रोमीडिया ड्रीम वीवर 8 और ड्रीम वीवर CS3। अगर सामने ना हो तो यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, यहाँ पे माइक्रोमीडिया का हमारे पास फोल्डर बड़ा हुआ है, इसके अंदर जाके यहाँ से हम माइक्रोमीडिया ड्रीम वीवर 8 या जो भी आपको CS3 लगे आप वो सिलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने इसे ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा आपने किस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करना है। तो हमने ऑनलाइन काम करना है, यानी कि ड्रीम वीवर से जो हमने काम लेना है वो वेब पेजेस वगैरह डिज़ाइन करवानी है, वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करवानी है, फॉर्म वगैरह गैलरी वगैरह बनानी है। तो उसके लिए हम यहाँ से लेंगे HTML। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सॉफ्टवेयर के अंदर HTML का जिक्र आया तो इसका मतलब है ये इंटरनेट पर काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या करना है, HTML सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप HTML सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास HTML की फाइल ओपन हो जाएगी। सबसे पहले ये जो आपको नज़र आ रहा है ये टाइटल या स्टेटस बार कहलाता है, जिसके अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल का नाम शो होता है। उसके नीचे ये आपको नज़र आ रहा है ये मेन्यू बार कहलाता है, जिसके अंदर अलग अलग मेन्यू होती है जिनसे आप काम ले सकते हैं। उसके नीचे ये आपको नज़र आ रहा है ये प्रॉपर्टीज बार कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ हो जो आप जिस किस्म का आप पेज लेके काम कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी फाइल्स ऑप्शंस कहलाता है। ठीक है, साइट कहलाती है। ठीक है, और ये कहते हैं ये जो अभी आपके पास नीचे शो हो रही थी ये प्रॉपर्टीज बार कहलाती है, यानी कि आप जो भी काम करेंगे चाहे टेक्स्ट हो पिक्चर हो तो उसकी अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टीज वगैरह में जाके कोई भी सेटिंग करनी है तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आपकी प्रॉपर्टीज बार वगैरह नहीं आ रही हो, ये फाइल्स वगैरह ना आ रही हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से विंडो मेन्यू में जाएंगे, इसमें जाकर आप जिस भी चीज़ के ऊपर टिक मार्क लगा देंगे वो आपके पास ओपन हो जाएगा। जैसे मैं विंडो मेन्यू में गई, मैंने यहाँ से प्रॉपर्टीज लेनी है तो हमने प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट किया, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl F3। अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Ctrl F3 भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है ड्रीम वीवर का। ठीक है, अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। आज माइक्रोमीडिया ड्रीम वीवर का लेक्चर नंबर 1 है डिज़ाइन सिंपल फोटो गैलरी। फोटो गैलरी किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, आपको याद होगा आपको शेयर पॉइंट में भी फोटो गैलरी डिज़ाइन करना बताया था, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम फोटो गैलरी डिज़ाइन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है उसको डिज़ाइन करने की कुछ ऑप्शंस जो है वो चेंज होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पेज पे क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग दे रही हूँ फोटो गैलरी की। उसके बाद आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा पेज प्रॉपर्टीज, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पेज की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। यहाँ से अपने पेज का कोई भी फॉन्ट साइज ले फॉन्ट स्टाइल ले लेंगे।
यहाँ से कोई भी साइज ले लेंगे, यहाँ से अपने फॉन्ट का कोई भी कलर ले लें, यहाँ से अपने पेज का कोई भी बैकग्राउंड कलर ले लें। अगर आपको बैकग्राउंड पे पिक्चर चाहिए तो यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके कोई भी पिक्चर लेके वो भी बैकग्राउंड पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे तो आपकी वही सारी सेटिंग यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब आपने बोल करना, बोल कर दें, सेंटर अलाइनमेंट सेलेक्ट करनी है, सेंटर अलाइनमेंट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब हमने अपनी हेडिंग सेट कर दी। अब हमने क्या करना है, अपनी पिक्चर्स मतलब गैलरी के लिए पिक्चर्स वगैरह लेकर आनी है। अगर आप डायरेक्टली पिक्चर सेलेक्ट करके लेकर आएंगे तो वो क्या होगा, वो पूरे पेज पे पिक्चर फैल जाएगी, और दूसरा ये होगा कि वो सिर्फ लेफ्ट साइड पे होगी और उधर ही रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आप और पिक्चर फिर सेलेक्ट करेंगे तो वो सीक्वेंस में नहीं आएंगी। तो हमें क्या करना है, अपनी फोटो गैलरी को जैसा इंटरनेट पे हर पिक्चर जो है बॉक्सेस के अंदर सीक्वेंस में होती है, वैसे यहाँ पर अपनी फोटो गैलरी को सीक्वेंस में रखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए हम टेबल ले लेंगे, जिसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे टेबल, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट टी। ठीक है, इसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने क्या करना है, अपने रोज एंड कॉलम सेट कर देना है। ठीक है, जितने आपको पिक्चर चाहिए, और यहाँ से आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपके पास पिक्चर के लिए बॉक्स आ जाएगा, टेबल आ जाएगा। अब इस टेबल को आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे प्रॉपर्टीज बार में जाएंगे। प्रॉपर्टीज बार में जाने के बाद अगर आपको इस टेबल का बॉर्डर सेट करना है तो यहाँ से आप बॉर्डर सेट कर देंगे। बॉर्डर को कोई कलर देना है तो यहाँ से उसको कलर दे देंगे। कोई इसको बैकग्राउंड देना है तो इस तरह से अपने टेबल के बॉर्डर कलर और कोई भी बैकग्राउंड कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टेबल ले लिया, अब हमने इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट टेबल का बॉक्स होगा, सेल होगा, उसके अंदर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इमेज, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्टर आई। आप चाहें तो ऑप्शन से काम ले सकते हैं और चाहें तो डायरेक्टली कंट्रोल ऑल्टर आई कीबोर्ड से प्रेस करके ले सकते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करनी है, पिक्चर सेलेक्ट करके आप ओके कर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा अगर आप इस पिक्चर के बारे में कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं, कोई नाम वगैरह लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कोई भी टेक्स्ट ऑल्टरनेट टेक्स्ट में, ओके कर देंगे तो वो पिक्चर आपके पास यहाँ बॉक्स के अंदर आ जाएगी। अब देखें पिक्चर जो है बॉक्स के अंदर तो आ गई, लेकिन बहुत बड़ी आई है, मुझे इसे बॉक्स के अंदर सेट करना है, एडजस्ट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, नीचे प्रॉपर्टीज बार में जाएंगे, यहाँ पे आपको WH लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये वेयर देन हाइट कहलाता है। इस पर आप क्लिक करके इसे 150 सेट कर देंगे दोनों को। ठीक है, अब आप इससे कम या ज़्यादा भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो 150 हमने सेट किया है ये इसकी जो है वो स्टैंडर्ड वेयर देन हाइट है। सही, इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह हम वन बाय वन क्लिक करते जाएंगे बॉक्स के अंदर, इंसर्ट इमेज में जाके यहाँ से पिक्चर लेकर डालते जाएंगे और इसकी विड्थ एंड हाइट 150 सेट करते जाएंगे। आपकी मर्जी, आप ज़्यादा कम करें, मसला नहीं। और बॉक्स के अंदर क्लिक करके ही आपने इमेज वाला ऑप्शन लेना, अदरवाइज वो बॉक्स के बाहर आएगी आपकी पिक्चर। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट की से काम लेते हुए पिक्चर डाल दिया। पिक्चर को सेट करने के बाद साइड पे क्लिक करेंगे तो उसके बॉक्सेस जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे इस तरह से। मैं हर एक को इंसर्ट करने के बाद उनकी विड्थ एंड हाइट 150 सेट कर रही हूँ।
सीधा हमारे पास लास्ट बॉक्स रह गया जिसके अंदर हम पिक्चर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी क्या कर ली, गैलरी के अंदर पिक्चर वगैरह सेट कर दी। अब इनको सेंटर पोजीशन देनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बॉडी लिखी हुई नजर आ रही, इस बॉडी के ऊपर क्लिक कर दें, या फिर आप दूसरा तरीका क्या, बॉडी पे क्लिक करने से पूरी फाइल का काम सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरे तरीके कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप उनके सेंटर, लेफ्ट, राइट, जिधर भी अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं आप वो सेट कर सकते हैं। अब इस तरह से अपनी गैलरी क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, इसका रिजल्ट देखना है। तो इसके रिजल्ट देखने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसके रिजल्ट देखने के लिए आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। जिस तरह से आपको याद होगा आपने शेयर पॉइंट में भी किया था, चाहें तो पहले कंट्रोल एस से सेव कर लें फिर F12 रिजल्ट के लिए प्रेस करें। अगर नहीं भी सेव किया तो जब आप F12 प्रेस करेंगे डायरेक्टली तो यहाँ पे आपसे सेव का ऑप्शन मांगेगा। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कर देंगे। कहाँ सेव करना चाहते हैं वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जहाँ पे भी आप सेव करना चाहें उसे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव पे फाइल का नाम दे देंगे कोई और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल वहाँ पे सेव हो जाएगी। और इसी के साथ आपके पास यहाँ पर इंटरनेट का पेज ओपन हो जाएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर का पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपका गैलरी बनकर क्रिएट होकर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप ड्रीम माइक्रोमीडिया ड्रीम रिवर के अंदर अपनी फोटो गैलरी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपने शेयर पॉइंट के अंदर क्रिएट किया था। और अब आपको लास्ट में बताया जाएगा कि इसको नेट पे किस तरह से अपलोड करते हैं। फिलहाल आपको बनाना सिखाया जाएगा, ऑप्शंस का यूज सिखाया जाएगा, फिर आपको आगे जाके बताया जाएगा किस तरह से आप इसे इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे आप बाकी इंटरनेट पर गैलरीज शो हो रही होती हैं। तो ये आपका आज का माइक्रोमीडिया ड्रीम रिवर का लेक्चर नंबर 1 डिज़ाइन सिंपल फोटो गैलरी कम्प्लीट हो गया है। आप इसे नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मज़ीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।